नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर आते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीदर जिला भाजपा ने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान के नए भवन का उद्घाटन में शामिल होने के लिए बीदर से बाबू जगजीवन राम के अनुयायी रवाना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रतिद्वंदियों पर ओबीसी दर्जे को लेकर निशाना साधने का लगाया आरोप। बूढ़ा घोटाला, मैसूर में भाजपा का प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं ने किया जवाबी विरोध। एसआईटी काम कर रही है, वाल्मीकि निगम अनियमितताओं की ईडी जांच की जरूरत नहीं, डीके शिव कुमार ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को शहर के अम्बेडकर चौक पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार से कथित मूड़ा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले के मामले को सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया। नेताओं ने इस मौके पर अम्बेडकर चौक पर टायर फूंकने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद रही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोका। इस मौके पर नेताओं ने मीडिया से बात की। इस मौके पर भाजपा के नेता आदि उपस्थित रहे। हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान के नए भवन का उद्घाटन समारोह 13 जुलाई शनिवार को डॉक्टर सोमनहल्ली बगदी रोड बेंगलुरु में होने वाले कार्यक्रम में जाएंगे। बाबू जगजीवन राम ने अनुयायियों और जनता की सुविधा के लिए राज्य के सभी जिलों से वाहनों की व्यवस्था की गई। इसके अनुसार बीदर जिला प्रशासन, जिला पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से परिवहन विभाग के वाहनों की व्यवस्था की गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. गिरीश बड़ोले ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया और कहा कि कार्यक्रम में भाग लेने वालों को शुभकामनाएं दी। समाचार और जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक जी सुरेश, जिन्होंने 12 जुलाई को गुलबर्गा विश्वविद्यालय बीदर से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है, जो आज जिला कलेक्टर कार्यालय हॉल में कल्याण कर्नाटक कलाकार संघ द्वारा सम्मानित अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त शिव कुमार शिलवंत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर कन्नड़ और संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक सिद्धराम शिंदे, कल्याण कर्नाटक कलाकार संघ के संस्थापक अध्यक्ष विजय कुमार सोनारे, कन्नडाम्बे फ्रेंड्स ग्रुप के अध्यक्ष विरूपक्ष गादगी, राज्य युवा पुरस्कार विजेता सुनील भावी कट्टी, युवा नेता संतोष जोलदाप के सहित अन्य उपस्थित रहे। संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की कल्पना की गई है, लेकिन भले ही कांग्रेस और भाजपा पार्टियों ने अनुसूचित जनजातियों को उच्च जाति में शामिल कर लिया है, लेकिन बीदर जिले और राज्य में बहुत साजिश चल रही है। इन दोनों दलों के नेताओं की साजिश के कारण वास्तविक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण को नष्ट किया जा रहा है। इसलिए हमारे जिले में झूठे जाति प्रमाण पत्रों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने और अगले संघर्ष की योजना बनाने के लिए शहर के मयूरा बारिश शाही संघ में एक प्रारंभिक बैठक बुलाई गई। इस मौके पर राजकुमार मूल भारती, उमेश कुमार सरलीकर, अभी काले, महेश गोनालकर, संतोष इनुकरे समेत कई अन्य सेनानी मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कल्याण कर्नाटक संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण दस्ती, समिति के अन्य पदाधिकारी सुरेश चनशेट्टी, डॉ. रजनीश वाली, विनय मालगे ने संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा से जुड़े भूमि सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ओबीसी कार्ड खेला और आरोप लगाया कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व उन्हें ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग से होने के बावजूद दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए निशाना बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को
मुख्यमंत्री के रूप में देखना बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पास मुझ पर आरोप लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। वे कानूनी रूप से तय मामले को अवैध बता रहे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा, वे मुझे डरा नहीं सकते, क्या वे मुझे निशाना बना पाएंगे, और स्पष्ट किया कि उनकी पत्नी पार्वती को वैकल्पिक भूमि का आवंटन कोई घोटाला नहीं था। मुड़ा ने गलती की है और हमें साइट दी है। हमने किसी विशेष क्षेत्र में भूमि नहीं मांगी थी। उन्हें साइट वापस लेने दे और हमें मानदंडों के अनुसार 62 करोड़ रूपये की राहत दे। यह भी जानना चाहिए कि साइटें भाजपा सरकार द्वारा आवंटित की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मूडा घोटाले के खिलाफ भाजपा का प्रस्तावित आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे कदम का मुकाबला करने और भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। मैसूर, चामराजनगर और मांड्या के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मैसूर के महाराजा कॉलेज मैदान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार से कथित मूडा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले के मामले को सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया। उन्होंने शहरी विकास मंत्री भैरती सुरेश के इस्तीफे की भी मांग की। मैसूर कोडगु सांसद यदुवीर कृष्णादत्त चामराज वडियार ने कहा, मैसूर कोडगु लोकसभा चुनाव को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रतिष्ठा का मामला माना था, क्योंकि यह उनका गृह जिला था। उन्हें जिले में प्रशासन को भी प्रतिष्ठा का मामला मानना चाहिए था। चुनाव के दौरान लोग यही सोचते हैं, क्योंकि वे यहां अपने प्रशासन में विफल रहे हैं, इसलिए लोगों ने मुझे लोकसभा उम्मीदवार के रूप में चुना है। उन्होंने कहा कि वे सड़कों पर गड्ढे भरने में विफल रहे हैं और जिले में किसी भी विकास कार्य के लिए धनराशि जारी नहीं की है। उन्होंने अभी तक डेंगू को आपातकाल घोषित नहीं किया है और इससे निपटने के लिए पर्याप्त उपाय भी नहीं किए हैं। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य संचालित निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं की प्रवर्तन निदेशालय ईडी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी पहले से ही काम कर रहा है। शिवकुमार, जो राज्य कांग्रेस प्रमुख भी हैं, कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन जांच के तहत पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को एजेंसी द्वारा हिरासत में लिए जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। शिवकुमार ने यह संवाददाताओं से कहा कि हम राज्य सरकार एसआईटी के माध्यम से जांच कर रहे हैं, इसकी ईडी जांच की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वे ऐसा कर रहे हैं। मैं इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा और फिर इस पर बोलूंगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को उनके खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले के संबंध में 15 जुलाई को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी। भाजपा के दिग्गज नेता पर एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। 28 जून को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता को गिरफ्तार करने से सीआईडी को रोकने के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया था। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को येदियुरप्पा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आपत्ति दर्ज करने की अनुमति दे दी थी। भाजपा नेता सीटी रवि ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा द्वारा भूमि खोने वालों को कथित धोखाधड़ी से भूखंड आवंटित करने के संबंध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बचाव को बेईमानी करार दिया, जिसमें उनकी पत्नी पार्वती को दिए गए भूखंड भी शामिल हैं। एमएलसी ने यह भी आरोप लगाया है कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री लापरवाही से भ्रष्टाचार का बचाव कर रहे हैं। रवि ने कहा कि मूड़ा साइटों के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री का आचरण ईमानदारी का नहीं बल्कि बुद्धिमानी भरा बचाव है। यह सीएम की पत्नी से जुड़ा मामला है। आरोप सीएम और उनकी पत्नी के खिलाफ है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री लापरवाही से भ्रष्टाचार का बचाव कर रहे हैं। आरोपों के बारे में उनके जवाब बेईमानी भरे हैं और झूठ का बचाव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के वित्तीय सलाहकार बसवराज रायरेड्डी ने यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया है कि गारंटी योजनाओं के कारण राज्य में विकास कार्यों के लिए धन नहीं है।
येलबुर्गा तालुका के मंगलूर गांव में एक झील पर काम शुभारंभ करने के बाद किसानों की बैठक में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि गारंटी योजनाओं ने राज्य के विकास को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि कई विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए फंड की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। हम गारंटी योजनाओं पर करीब 65,000 करोड़ रूपये खर्च कर रहे हैं। चूंकि मैं वित्तीय सलाहकार हूं, इसीलिए मैं किसी तरह अनुदान प्राप्त करने का प्रबंध करता हूं। गारंटी सरकार पर बोझ बन गई है। लोग विकास चाहते हैं, लेकिन मेरा विश्वास करें, बिल्कुल भी पैसा नहीं है। चूंकि मैं वित्तीय सलाहकार हूं, इसीलिए मैं यहां झील विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में कामयाब रहा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला भाजपा ने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान के नए भवन का उद्घाटन में शामिल होने के लिए बीदर से बाबू जगजीवन राम के अनुयायी रवाना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रतिद्वंदियों पर ओबीसी दर्जे को लेकर निशाना साधने का लगाया आरोप। मूडा घोटाला, मैसूर में भाजपा का प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं ने किया जवाबी विरोध। एसआईटी काम कर रही है, वाल्मीकि निगम अनियमितताओं की ईडी जांच की जरूरत नहीं, डीके शिवकुमार ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।